आप लोग विरोध क्यों कर रहे हैं सरकार का, क्योंकि सरकार का कहना ये है कि पेड़ को काटे जाएंगे और यहाँ पर माइनिंग आएगा और गांव वाले लोग का विकास होगा, ऐसा कहना है सर। इवन मेरा भी जमीन गया है उसमें, एक नौकरी तक आज तक मुझे नसीब नहीं हुआ। हम लोग दो भाई हैं, कोई नौकरी नहीं मिला। और आप गांव में जाकर देखेंगे तो सभी चौराहे पे होर्डिंग लगा है विकास का, लेकिन गांव में आप विजिट करेंगे तो कोई विकास नहीं। तो इसमें विकास के नाम से आदिवासियों का लूटने का खेल चल रहा है। मैं हूँ हसदेव अरण्य क्षेत्र में दोस्तों, ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा इसी को कोल माइनिंग के लिए, इन जितना सारे पेड़ आप चारों ओर देखेंगे तो इन चारों ओर बहुत सारे लगभग 300 पेड़ को काटा गया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं किस तरह बुरी तरह से रात में काटा गया था ना भैया इसको। अच्छा, क्या नाम है आपका? राजा जयसिंह कुसरो है। अच्छा, तो मेरे को ये बताइए कि ये जो पेड़ काटने का सूचना आपको कैसे मिला? देखिए, मैं इसको आपको थोड़ा विस्तृत से बता दूं। मैं यहाँ हम लोग बहुत पहले से खदान नहीं चाह रहे हैं, परसापुर ब्लॉक का विरोध करते आए हैं। हम युवाओं लोग तीन शिफ्ट में जंगल की पहरा करते थे और महिलाएं चिपको आंदोलन करते थे आके जंगल में। लेकिन इन्होंने 26 अप्रैल रात में 3 बजे से 5 बजे तक इन्होंने पेड़ को, यहाँ के 300 पेड़ को काट दिया यहाँ पे। उन लोग को रोकने की कोशिश की, फर्स्ट में हम नहीं रोक पाए, लेकिन बस फिर गांव वाले ज़्यादा जनसंख्या में आए तो हम उनको रोक पाए। मतलब आप लोग का जो विरोध है उसके बारे में थोड़ा बताइए कि आप लोग यहाँ पर माइनिंग ओपन होना चाहता है और सरकार कह रही है कि इन पेड़ को लगभग 2 लाख पेड़ काटे जाएंगे इधर से, जितने सारे पेड़ नहीं, आप गलत सुने हैं, इसमें 4.5 लाख कटेंगे। 4.5 लाख? अच्छा, मतलब एक ब्लॉक में दो लाख पेड़ ऐसे बोले थे, करीब 5 ब्लॉक हैं है ना, तो उसके हिसाब से वही 4.5 लाख पेड़ कटेंगे। जी जी, तो इधर से कटते हुए जाएगा पेड़, धीरे धीरे करके इधर ही से स्टार्ट होगा है ना कटना। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि आप लोग विरोध क्यों कर रहे हैं सरकार का, क्योंकि सरकार का कहना ये है कि पेड़ को काटे जाएंगे और यहाँ पर माइनिंग आएगा और गांव वाले लोग का विकास होगा, ऐसा कहना है सरकार का। इस पे मैं आपको ले चलूँगा PKB खदान। अच्छा। परसा कहते बासन खदान जो बगल में खुली है, 2012 में लैंड एक्वायर किया गया। अच्छा, उसमें देखिए तमाम प्रकार की जुमलेबाजी चला, विकास का नाम दिया गया और इवन मेरा भी जमीन गया है उसमें, एक नौकरी तक आज तक मुझे नसीब नहीं हुआ। हम लोग दो भाई हैं, कोई नौकरी नहीं मिला। और आप गांव में जाकर देखेंगे तो सभी चौराहे पे होर्डिंग लगा है विकास का, लेकिन गांव में आप विजिट करेंगे तो कोई विकास नहीं हुआ। अच्छा, तो इसमें विकास के नाम से आदिवासियों का लूटने का खेल चल रहा है। तो आप लोग का मांग क्या है फिर, आप पेड़ को काटने नहीं देंगे? जी, हम किसी भी सूरत में पेड़ काटने नहीं देंगे। हम लोग का मांग यह है कि जितना हसदो क्षेत्र है संरक्षित हो, यहाँ किसी भी प्रकार का कोयला खनन ना हो। अच्छा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि इस तरह से बुरी तरह से पेड़ को अभी बिना इजाज़त के ये लोग मंजूरी भी नहीं दिए थे। जब तक ग्राम सभा जो है मंजूरी नहीं देगा तब तक आप पेड़ नहीं काट सकते ना, उस एरिया में कुछ भी आप उद्योग लगा सकते हैं। उसको फर्जी ग्राम सभा, इनका कहना है कि फर्जी ग्राम सभा के अंतर्गत ये लोग मंजूरी लिए हैं और साथ ही साथ इस तरह से काटना स्टार्ट किए के बाद से पूरे देश में एक तरह से अभी के डेट में आप देखेंगे तो हसदेव बचाओ का जो सहयोग कर रहे हैं बहुत ही अच्छा है। और पेड़ को काटने से हमें किसी भी कंडीशन में रोकना है, क्योंकि इससे किसी भी तरह से विकास नज़र नहीं आ रहा है। क्योंकि ये लोग देख चुके हैं, अभी भैया हमें बताया थोड़ी देर पहले कि ऑलरेडी एक माइनिंग है जिसके बारे में लोग बता रहे हैं, वो इससे पहले ओपन हुआ था जिसमें ना गांव वालों को रोजगार मिला ना, बहुत ही दुविधा का बात है ये जो हो रहा है। सरकार बिल्कुल भी आदिवासियों के अधिकार का पालन नहीं कर रही है, साथ ही साथ उनके अधिकार का पूरी तरह से हनन किया जा रहा है। साथ ही साथ इस तरह का खिलवाड़ पर्यावरण के साथ किया जा रहा है कि आने वाली हमारी पीढ़ियाँ ऑक्सीजन के लिए तो तरसेंगे ही, साथ ही साथ हरियाली देखने के लिए भी बहुत ज़्यादा तरसने वाले हैं। तो बहुत समस्या है।